हमारे घरों में अगर हम बात करें लड्डू बनाने के लिए और मंदिर में शनि भगवान को चढ़ाने के लिए ब्लैक टेप, तिल ब्लैक और व्हाइट दोनों की बात कर रहे हैं वहां पे। यहाँ पे जब हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो तिल डाल के देते हैं, लेकिन हम अपने हेल्थ बेनिफिट के ऊपर बात नहीं करते। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन हम हर बार हर महीने अपने कैंप में और हर बार हर पोस्ट ऑफ पेशेंट को समझाते हैं कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिच सोर्स ऑफ फाइबर, जो कि स्टूल हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता फाइबर, इसलिए फाइबर हमारे लिए जरूरी है। एंड अगेन आयरन बूस्ट आवर मिनरल डेंसिटी, जो बोन मिनरल डेंसिटी हमारी बढ़ाता है बिकॉज ऑफ कैल्शियम कंटेंट, एंड हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट, हमारी जो स्किन होती है, एजिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि रिंकल्स होना या स्किन सैग करना वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको आप रोक नहीं सकते, बट यस वी कैन डिले दिस प्रोसेस। अगर हम अपनी डाइट में सेसमे सीड्स ऐड करते हैं तो हम अपना एजिंग प्रोसेस डिले कर सकते हैं, प्लस हम अपनी आईसाइट को और अच्छा कर सकते हैं, और ये हमें कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीज करता है, क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर है। और जब भी आप कोई सीड लें अपनी डाइट में तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको हमेशा पीस के लें, मतलब पहले उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें और फिर उसको ब्लेंड करके फिर ही लें। वो आप चाहे फिर कर्ड में डाल के लें, उसको आप पुडिंग्स में डाल के ले सकते हैं, उसको आप अपने आटे में गूंद सकते हैं, प्लस उसको आप अपने सैलेड पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। नेक्स्ट, चिया सीड्स। चिया सीड्स के बारे में किसी ने सुना है? अनकॉमन है थोड़ा सा, नहीं नहीं सुना? ओके, गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम प्रोटीन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, हमारा ब्लड प्रेशर एंड अगेन हमारी बॉडी की शुगर को मेंटेन करता है, और इसको बेस्ट है पुडिंग्स में डाल के अगर आप यूज करें तो बहुत अच्छा है। इसको पहले आप लो पानी में थोड़ी देर के लिए रख दो, जैसे साबूदाना होता है ये वैसे फूल जाता है। पायल आज हमारे बीच में है, ये बहुत अच्छी अच्छी हेल्दी रेसिपीज हमसे शेयर करती है हमारे ग्रुप पे, तो मैं चाहूंगी कि पायल इसके साथ थोड़ा सा प्ले करें चिया सीड्स के साथ और अपनी रेसिपी शेयर करें। ओके, प्रॉमिस, गुड। नेक्स्ट है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स के बारे में जैसे अभी मैम ने बताया, अलसी वेट लॉस में हेल्प करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली हमारी ग्लोइंग स्किन को प्रमोट करता है, हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देता और हमारे हेयर को डैमेज होने से भी बचाता है। रोज करके खाओ ना, रोज करो उसको, ठंडा होने दो और फिर एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में उसको पीस लो और उसको ट्रांसपेरेंट कंटेनर में स्टोर करो, डेली खाओ, पानी के साथ दो चम्मच ले लो, चाहे आप उसमें सैलेड पे डाल के ले लो, दही में ऐड करके ले लो, आटे में गूंद लो, ये कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीफ करता है। प्लस हाँ, डेली टू स्पून, प्लस ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का गुड सोर्स है, हार्ट के लिए अच्छा है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फेनल सीड्स। सौंफ सब जानते हैं, कैसे खाते हैं सौंफ? सिर्फ माउथ फ्रेशनर की तरह, खुशबू के लिए, डाइजेशन में भी हेल्प करता है बिल्कुल। प्लस ये जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं उसमें हमारे क्रैम्प्स पड़ते हैं, उसमें भी हमें रिलीफ करता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ये एक रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको कि आप पायल हैप्पी हो गए इसको लेकर, पायल यूज को करेगी ट्राई जरूर, ठीक है। इस रेसिपी को आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें ये सीड्स को आप यूज करके कर सकते हैं, प्लस इसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत अच्छा है। इसकी पर सर्विंग की मैं आपको अगर वैल्यू बताऊं, एनर्जी 145, एक पूरी की बात हो रही है यहाँ पे, जिसको कि आप एज अ स्नैक यूज कर सकते हो, जो हम थोड़ा अटरम चटरम थोड़ा खाते हैं, जैसे बीच में कोई मट्ठी खा ली, मट्ठी का तो कोई फायदा नहीं है, एक तो वो तली हुई है और दूसरा वो मैदा है, बट इसको अगर आप देंगे तो ये हेल्दी है आपके लिए। 7 grams प्रोटीन, फैट देखिए सिर्फ 2.5 grams, आयरन 19 mg, फाइबर 1 gram। ये मैं आपको इसकी हार्ड कॉपी भी आपको रेसिपी की अपनी शेयर कर रही हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, ठीक है पायल? ठीक है, थैंक यू ऑल। आप हमारी साइकोलॉजिस्ट, तो आई एम श्योर इससे जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है, एंड हम
होप रखते हैं कि पायल आप तो डेफिनेटली ये बना के लाएंगी हमारे लिए ना इस कैंप में. सो अब हमने खाना अच्छा नहीं खाया, ताली हमें जानी नहीं है किसी की. मार्केट में कहाँ से अवेलेबल है? अगर और किसी के भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं सुर्भि से रिलेटेड टू सीट्स. चलिए तो आज हमारे साथ एक नए मेंबर जुड़े हैं मिस जो मेटाबॉलिक बैलेंस कोच से हैं एंड वो हमें मेटाबॉलिक डाइट मेटाबॉलिक बैलेंस के बारे में कुछ बताएंगी. तो इनके इनका स्वागत करते हैं हम सब.